अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट टू डायरेक्शंस, जो हमारी सिमटें होती हैं, उनकी रीडिंग की थी। इसमें हमने देखा था कि हमारे पास चार जो है कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं और चार जो होती हैं हमारे पास इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती हैं। कार्डिनल में हमारे पास नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट आता है, और इंटरमीडिएट में हमारे पास नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट आता है। उसके बाद हमने ये एक मैप देखा था, उस मैप में हमने ये देखा था कि कौन सी जो चीजें हैं वो किस डायरेक्शन में हैं। उसके बाद हमने मैप्स को, स्केल को यूज करने का तरीका पढ़ा था, और हमने देखा था दो तरह के मैप्स होते हैं। एक स्मॉल स्केल मैप्स होते हैं जो कि एक बड़ी लैंड का एरिया दिखाते, एक बड़ी बड़ा सा एरिया दिखाते हैं, लेकिन उस पर डिटेल्स कम होती हैं। उसके बाद लार्ज स्केल मैप्स पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि वो एरिया छोटा लेते हैं लेकिन डिटेल्स जो है वो ज्यादा लेते हैं। उसके बाद हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल और इक्वेटर के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने आज जो है ना इसकी एक्सरसाइज करनी है।